प्रणाम। पूर्णिया मिरर पर आप सभी का स्वागत है। बीते एक सप्ताह में पीएम मोदी ने पूर्णिया सीमांचल में तोहफे की झड़ी लगा दी है। वंदे भारत से लेके फोर लेन हाईवे तक और सिंथेटिक ट्रैक्स मेडिकल कॉलेज तक देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक सीमांचल पर मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले मेहरबान नजर आ रही है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जहां पीएम मोदी ने कटिहार से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वहीं जानकी एक्सप्रेस का ठहराव भी जानकी नगर और पूर्णिया कोट रेलवे स्टेशन में शुरू हो गया। इसके अलावा पूर्णिया कोट रेलवे स्टेशन से जनहित एक्सप्रेस का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमांचल को ट्रेनों की ये सौगात इस क्षेत्र में कमजोर मानी जाने वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कोई फायदा दिलाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, जिसके परिचालन से अब सीमांचल के लोगों को राजधानी पटना आने जाने में अब और भी आसानी हो गई है। न्यू जलपाईगुड़ी से किशनगंज कटिहार होकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टाइम टेबल के अनुसार वंदे भारत एनजीपी से 5:15 में खुलेगी, इसके बाद वह किशनगंज 6:15 में पहुंचेगी, 6:17 में किशनगंज से खुलेगी, इसके बाद कटिहार 7:45 में पहुंचेगी, फिर 7:50 में कटिहार से खुलकर सीधे पटना पहुंचेगी, पटना 12:10 बजे पहुंचेगी, फिर पटना से 13 बजे खुलेगी, कटिहार 17:35 में पहुंचेगी, फिर 17:40 में खुलकर किशनगंज 18:44 में और फिर एनजेपी 20 बजे पहुँच जाएगी। इसके अलावा अब पूर्णिया कोट स्टेशन से भी 2 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। जनसेवा और जनहित एक्सप्रेस का परिचालन अब पूर्णिया कोट से होगा। इस क्षेत्र के लोगों को इस पुरानी मांग को केंद्र सरकार ने अब पूरा कर दिया। इन दोनों ट्रेनों के पूर्णिया में ठहराव से पूर्णिया और मधेपुरा जिले की लगभग 50 लाख आबादी को फायदा होगा। इसके अलावा नारायणपुर पूर्णिया फोर लेन का लोकार्पण भी पीएम मोदी ने किया है। यह फोर लेन सड़क 2494 करोड़ की लागत से बनाई गई है। कटिहार जिले के लिए यह भी बड़ी सौगात है। दरअसल कटिहार के लिए यह पहली फोर लेन सड़क है। अब सीमांचल के जिलों में सफ़र करना और आरामदायक होगा। पूर्णिया अररिया कटिहार और किशनगंज समेत कई जिलों में अब आवागमन में सुविधा मिलेगी, जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल का भी सफ़र आसान होगा। कटिहार जिले के नारायणपुर से पूर्णिया के बीच 49 किलोमीटर में इस सड़क का निर्माण 2494 करोड़ की लागत से कराया गया है। इस सड़क के बन जाने से कटिहार जिले वासियों को पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आदि जिलों में आवागमन में सुविधा प्रदान होगी। इसके अलावा पूर्णिया को केंद्र सरकार ने एक और तोहफा दिया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारत सरकार ने खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत 7.50 करोड़ की लागत से निर्मित सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भी उद्घाटन किया गया। यह पूर्णिया के लिए इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह बिहार का पहला सिंथेटिक ट्रैक है। 400 मीटर का यह ट्रैक बन जाने से निश्चित रूप से इंदिरा गांधी स्टेडियम में न केवल विश्वविद्यालय स्तर की बल्कि राज्य और राष्ट्र स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता एक ही स्थान पर आयोजित हो सकेगी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चुनावी मौसम में सीमांचल पर की गई तोहफों की इस बारिश से क्या बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय भारत।